दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्र प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक देता हूं और अगले दिन हमें एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैंने आपको जो कल दो स्टॉक बताए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और उन्होंने कैसा मूव किया। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे और आप किसी भी दिन का वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं मैंने आपको जो कल दो स्टॉक बताए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ घंटा डे की कॉल्स पोस्ट करता रहता हूं, उससे भी आप गेन फिट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक था वो था इंडसइंड बैंक का। देखिए इंडसइंड बैंक को मैंने आपको बताया हुआ था कि इसने अपने रेजिस्टेंस के पास एक क्लोजिंग दी हुई, तो कल अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अगर यहीं से रिवर्स होता है तो हमें सेल साइड में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो देखिए इंडसइंड बैंक को मैंने आपको बाई बताया हुआ था 1611 रुपए के ऊपर। तो देखिए ये है 9:15 की पहली कैंडल, इसका हाई लगा इसने 1605 रुपए का, हमारी बाई कॉल कहीं एक्टिवेट हुई नहीं, ये स्टॉक कहीं ऊपर गया नहीं। मैंने इस स्टॉक का कुछ सेल भी बताया हुआ था, मैंने इसको आपको सेल बताया था 1590 रुपए के नीचे। तो देखिए इसने 9:15 की पहली कैंडल में इसने यहाँ पर हमारे सेल कॉल को एक्टिवेट किया और उसके बाद इस स्टॉक ने काफी अच्छा लो लगाया, इसने लो लगाया 1554 रुपए का, हमारा अंतिम टारगेट 1560 रुपए का था, हमारे तीन के तीनों टारगेट इसमें डन हुए, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। तो ऐसे में आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो नीचे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलिए देखते हैं मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों यहाँ पर बात करूं अपने दूसरे स्टॉक की, मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था वो था इन आईवुल हाउसिंग फाइनेंस का। तो देखिए आईवुल हाउसिंग फाइनेंस मैंने आपको सेल बताया हुआ था 815 रुपए के नीचे। तो देखिए ये है इसकी पहली कैंडल, ये 915 की इसकी पहली कैंडल है और इसने देखिए पहली कैंडल में 826 रुपए 90 पैसे का हाई लगाया। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस करता है उस प्राइस पे होल्ड करता है तभी आपको एंट्री लेनी होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होगी तो देखिए इस स्टॉक ने मूव नहीं किया और यहाँ पर अगली 945 की कैंडल में हमारा इसमें इसने टच कर दिया, इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली, तो हमें एक स्टॉक में प्रॉफिट हुआ और एक स्टॉक में हमें लॉस हो गया। ओवरऑल हमें इंडसइंड बैंक में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे। तो ये थे दो स्टॉक, चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो फ्राइडे के लिए दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मेरे थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं आपको अपने पर्सनल आप स्टॉक ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर आपको लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉल्स मिलेंगी, कुछ बीटीएसटी की कॉल मिलेंगी, जिससे आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आकर देखते हैं आपके लिए जो फ्राइडे के लिए दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक हुआ टाटा एलेक्सी का, देखिए टाटा एलेक्सी ने एक रेंज बनाया हुआ, देखिए रेंज ये कम होता ही जा रहा है और अभी से यहाँ आप देख पाएंगे तो रेंज बिल्कुल इसने खत्म कर दिया है, तो ये जिस भी तरफ को ब्रेक करेगा अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है तो इस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। चलिए देखते हैं टाटा एलेक्सी के कौन से लेवल निकल कर आए हैं। दोस्तों टाटा एलेक्सी अगर 977 के ऊपर निकलेगा तो उसको हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 967 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 986 का सेकंड टारगेट, 995 का और अंतिम टारगेट हुआ 1005 का। दोस्तों अगर टाटा एलेक्सी 963 के नीचे निकलेगा तो इसको हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 973 का हमारा फर्स्ट टारगेट, 955 का सेकंड टारगेट, 946 और अंतिम टारगेट 937 का। तो दोस्तों चलिए ये था पहला स्टॉक, चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया वो कौन सा है। दोस्तों मैंने आपके लिए जो दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया वो लाल पैथ लैब का। देखिए लाल पैथ लैब को मैंने वनडे में ओपन किया हुआ है, देखिए वनडे में इसने ये देखिए कई बार इसने 980 को टच करके वहीं से रिवर्स हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसी आशा है कि कल ये 980 को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल सकता है। तो कल अगर ये 980 के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक अच्छी बाय की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और अगर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता यहीं से स्टॉक रिवर्स होता है तो इसमें एक सेल साइड देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं लाल पैथ लैब के कौन से लेवल निकल कर आए हैं। दोस्तों लाल पैथ लैब अगर 981 के ऊपर निकलेगा तो इसको हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 971 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 988 का, सेकंड टारगेट 998 का और अंतिम टारगेट होगा 1008 का। दोस्तों अगर लाल पैथ लैब नीचे की ओर ब्रेक करता है इसको वहां से रिवर्स होता है तो इसको हम सेल करेंगे 968 के नीचे, स्टॉप लॉस होगा 976 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 960 का,
सेकेंड टारगेट 951 का और अंतिम टारगेट 942 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट अपनी राय जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, उसके बगल में आप बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।